क्वेश्चन नंबर 3.11, व्हाट इज द आंसर ऑफ, सॉरी सर आई थिंक ये अपन ने डिस्कस कर लिया था 3.11। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी, सी का क्या आंसर होगा? फॉल्स। सी में करेक्शन है। अच्छा, इट इज फॉल्स और ट्रू? ट्रू और फॉल्स? कैसे? फॉल्स। हाउ? हाउ इट इज फॉल्स? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला जो केस रहेगा, बट ऊपर एक कंडीशन भी दी हुई है इस क्वेश्चन में, इफ यू गो थ्रू, यहाँ पे एक कंडीशन दी है ना, तो दिस आल्सो वी हैव टू फॉलो, इट हैज टू मूव इन द इन वन डायमेंशन और इट हैज टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, तो दिस विल बी ट्रू since it is moving in the straight line, क्योंकि उसमें अगर अभी स्ट्रेट लाइन में जाना है, स्पीड कॉन्स्टेंट है तो वेलॉसिटी भी कॉन्स्टेंट है, therefore acceleration will be zero, तो acceleration must be zero because condition is put, अगर ये नहीं लिखा होता then it would have been false, got it, तो ये correction कर लो, ऑल राइट चलो फिर हम आगे देखते हैं, एनी अदर डिफिकल्टीज देयर, विल कंटिन्यू विद द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वी हैव सीन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करके हमें वेलोसिटी मिल सकती है, तो डिफरेंशिएशन में कौन सा फार्मूला है, जस्ट कैन वी रिकॉल डिफरेंशिएशन ऑफ एच टू द पावर एन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ओके पावर आगे आ जाएगी और एक कम भी हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, तो टू आ गया, एन की जगह टू है, दैट विल कम इन फ्रंट और उसमें से वन भी माइनस भी हो जाएगा, तो टू एक्स आ जाएगा, ऑल राइट, और कांस्टेंट है कोई, सपोज वी हैव वन आर एनी अदर कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन वन को एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं, जीरो आ जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाता है, कांस्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, डिफरेंस कांस्टेंट में टाइम के साथ या किसी और के साथ है ना, सॉरी एक्स के साथ या टाइम के साथ, किसी के साथ भी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, इट विल नॉट बी हैविंग एनी चेंज, तो कांस्टेंट है तो उसमें डिफरेंस होगा ही नहीं, तो उसके जीरो आता है उसका डिफरेंशिएशन, ऑलराइट, दीज आर द point two formula, this is the formula we are going to use, independent constant is zero, suppose aisa kuch hai, suppose we have like this 5x cube, iska kya hoga differentiation bolo, five aage aa jayega 15x square, ha 5 abhi constant x ke sath laga hua hai, तो वो आगे आ जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, थ्री पावर एक कम हो जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर, पावर आगे भी आ गई ऊपर कम भी हो जाती है, 15x² है ना, तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का जीरो है, यहाँ पे वन होगा तभी भी जीरो, टू है तभी भी जीरो, थ्री है तभी भी जीरो, सबका आंसर जीरो आएगा, बट कांस्टेंट अगर एक्स के साथ है या वेरिएबल के साथ है तब जो है उसको आगे शिफ्ट करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है अपना, एक्स टू द पावर एन वाला, क्लियर, तो ये फार्मूला याद रखना, मोस्टली इसी से ही क्वेश्चंस
सवाल हो जाते हैं एक ही फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन. तो दिस वाज द रिवीजन. ठीक है, तो लेट्स सी नाउ, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक. ये क्वेश्चन है, देखो ये वाला सवाल एग्जांपल है. पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस रिलेशन वेयर ए इज कॉन्स्टेंट दैट इज 8.5, बी इज अदर कॉन्स्टेंट एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड. तो टी टाइम है. वॉट इज इट्स वेलॉसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो. इसको इनिशियल वेलॉसिटी भी बोल सकते हैं. टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है इनिशियल वेलॉसिटी एंड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो हाउ टू सॉल्व, यही फार्मूला लगेगा एस टू द पावर एन वाला. इसको रब कर देते हैं. ऑल राइट, तो इसको करो फिर, जस्ट ट्राई करो, देन आई विल सॉल्व. ट्राई टू डू इट ऑन योर नोटबुक, देखो कितना हो रहा है, हाउ मच पार्ट यू आर एबल टू डू इट. जस्ट 1 मिनट आई विल वेट, ट्राई टू डू as you feel, then I will solve. वेलोसिटी निकालनी है ना. तो इसके एक्स के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ना. तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, डी बाई डी टी ए प्लस बी टी स्क्वायर है ना. ए प्लस बी टी स्क्वायर, तो ये प्लस है बीच में, तो 2 पार्ट में कर लेते हैं इसको. डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ए है, ये बी वाला कांस्टेंट, इसको आगे शिफ्ट कर देंगे. डी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, ये दिया है ए की वैल्यू 8.5 है, कांस्टेंट है. अभी कांस्टेंट का हम लोगों ने सीखा, जीरो होता है डिफरेंशिएशन. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा टी स्क्वायर का? 2t है ना. अगर यहाँ पे एक्स होता तो नीचे भी एक्स है, यहाँ टी है तो नीचे भी टी है, तो वही एक्स एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा. पावर आगे आ गई और टी की पावर 2-1 हो जाएगा ना, ऐसा यही फार्मूला. पावर आगे आ जाती है और एक कम भी हो जाती है. तो ये फार्मूले से हमने लिखा, तो 2b into t, तो ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया है ना. 2b power 2-1 means 1 ही बचेगा यहाँ पर. तो ये हो गया वेलोसिटी का टाइम वेलोसिटी का रिलेशन आ गया. डिफरेंशिएट करने के बाद अभी जिस टाइम भी b की वैल्यू दी हुई है तो b की वैल्यू डाल दो ना. हाँ, b की वैल्यू भी डाल देंगे, t की वैल्यू भी डाल देंगे, है ना. तो b की वैल्यू डाल दो, चलो 2 into b की वैल्यू कितनी है, 2.5 into t. तो ये v की वैल्यू 5t आ गया. ठीक है, b की वैल्यू डाल दी हम लोगों ने यहाँ से, तो 5t आ गया. अभी भी टी पे डिपेंड कर रही है. टी अभी हम ये 2 पार्ट करने हैं, तभी लास्ट में टी की वैल्यू भी डालनी पड़ती है हमें. तो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो विल गेट द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे ना. एट टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. इसको इनिशियल बोलते हैं जब टाइम स्टार्ट हुआ.
v इज इक्वल टू 5 इनटू 0 t की वैल्यू पुट कर दी 0 तो इनिशियली वो रुकी हुई है एट t इज इक्वल टू सेकंड पार्ट निकालना है 2 सेकंड्स t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स कितना आएगा v की वैल्यू 5 इनटू t t की वैल्यू 2 पुट करना 10 मीटर पर सेकंड तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इज इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो यूनिफॉर्म का मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए अभी चेंज हो रही पहले जीरो थी दो सेकंड के बाद 10 हो गई तीन सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी टी की जगह 3 पुट कर देंगे 15 हो जाएगी फोर सेकंड के बाद 4 पुट कर देंगे 20 हो जाएगी तो इट इज इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट अगर हम इसका ग्राफ बना ग्राफ देखें तो ऐसा कुछ आएगा ऐसा कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ती चली जा रही वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा आएगा एक का कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रही हो है ना लेकिन हमें ग्राफ नहीं ड्रा करना है केवल निकलना था तो ये हो गया पार्ट वन और ये पार्ट टू होमवर्क में करना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड्स टू 4 सेकंड ठीक है तो ये कैसे करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे न्यू टैक्स डिफरेंशिएट करने से तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती इंस्टेंट अच्छा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा लेकिन एक्सीलरेशन नहीं निकलना है ना इंस्टेंटेनियस वाली नहीं निकलनी हमें दो मेथड होते हैं एवरेज वैल्यू निकालने के लिए देयर आर टू मेथड्स दोनों वेलोसिटीज को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करो वो हो सकता है सर टी की वैल्यू डाल देते ना 2 और 4 वो v इज इक्वल टू 5 टी में तो वो तो तुम्हें 2 सेकंड में वेलोसिटी मिल जाएगी वो तो यही आ जाएगा आंसर फिर से और फिर 4 सेकंड में 4 सेकंड के लिए डाल देंगे t की वैल्यू तो वो 4 सेकंड में वेलोसिटी मिल जाएगी हां फिर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे अच्छा एवरेज निकालेंगे तो हमने जो पीछे पढ़ा है 4 minus 2 t2 minus t1 फिर नीचे t2 minus t1 अच्छा t2 minus t1 से डिवाइड करेंगे तो t2 minus t1 और वो और ऊपर क्या आएगा ऊपर t2 minus t1 थोड़ी होता है v2 minus v1 थोड़ी होता है ये फार्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है देखो उसमें v2 minus v1 लिखा था कि हमने x2 minus x1 फिर तो सर एक्स की वैल्यू ए प्लस बी टी स्क्वायर थी उससे 4 को मल्टीप्लाई करे तो और फिर वैसे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके उनका एवरेज निकाल ठीक है तो एक्स माइनस एक्स टू निकालेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से तब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है तो देखो इसमें होमवर्क में ट्राई करो क्या आता है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास तो ऑलरेडी हमने सीखा है एवरेज वेलोसिटी निकालना और तो एच टू माइनस एक्स वन करना पड़ेगा और टी टू माइनस टी वन तो आई 4 माइनस 2 है ना एच टू माइनस एक्स वन से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और एक और मेथड मैं तुम्हें बता सकता हूँ एवरेज वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वान्टिटी की एवरेज वैल्यू कभी भी निकालनी पड़े तो एक जनरल फार्मूला होता है डज एनीबडी नो किसी को पता है वो फार्मूला क्या होता है शाश्वत कैन यू टेल मी दैट फार्मूला आर यू देयर शाश्वत v1 plus v2 upon 2 नो जनरल फार्मूला पूछ रहा हूँ मैं सपोज हमें करंट का एवरेज वैल्यू निकालनी पड़े एक्सीलरेशन की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़े तो एक ऐसा फार्मूला होता है देखो मैं तुम्हें यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ आगे काम आ सकता है जरूरी नहीं यहाँ पे तो तुम इजी मेथड से ही करो एवरेज वैल्यू फॉर एनी
फिजिकल क्वांटिटी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन, एक्स एवरेज इज गिवन बाय, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे एक्स कैन बी एनीथिंग, डिस्प्लेस वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनी फिजिकल क्वांटिटी लिखा है हमने, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, इंटीग्रेशन करना पड़ता है एक्स डीएक्स और नीचे टाइम, नीचे डायरेक्ट लिख सकते टी टू माइनस टी वन लिख सकते, इंटीग्रेशन टी वन से टी टू तक हमने लिमिट इंटीग्रल पढ़ा था, डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो इससे भी अगर तुम करके देखोगे तभी भी वही आंसर आएगा, या फिर तुम हमने ये वैल्यू पुट करके टू पुट करेंगे तो एक्स वन आ जाएगा, फोर पुट करेंगे तो एक्स टू आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन से उसमें इंटीग्रेशन से बच सकते हैं है ना, बट ये जो है ना ये एक्स टू माइनस एक्स वन कभी काम आता है जब एक पर्टिकुलर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और अगर वो ऐसा नहीं है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस नहीं है तो ये फेल हो जाएगा, फिर तुम्हें इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे बनेगा ये फॉर्मूला, देयरफॉर वी एवरेज विल बी वी का फंक्शन, ओके यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, तो टाइम के टी से डिफरेंट इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम की डायमेंशन ये टाइम से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वही बचेगी, यूनिट भी तो मेंटेन होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो ये तब जब तुम लोगों को मैथ्स पढ़ा जाएगा तब तुम्हें इजी लगेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ तुम्हें आगे, वी डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन, टी वन एक मिनट टी वन, तो ये नोट कर लो जस्ट आई विल टेल यू, ठीक है, सर मैं एक चीज बोलू, सर कुछ बोल रहे हैं क्या, आवाज आ रही है किसी को? सर मैं एक चीज बोलूं, तो ये दिस फार्मूला विल वर्क फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख देंगे, करंट हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ में एवरेज करंट निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे करंट लिख देंगे डीटी के टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम की तो टाइम की यूनिट कट जाएंगे, नीचे भी टाइम है, ये भी डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब डीटी मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम, नीचे भी डिफरेंस, तो ये कैंसिल हो जाता है, जो ये यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी वो यहाँ होती, तो डायमेंशनली भी बैलेंस रहता है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनली बैलेंस, जब यूनिट लेफ्ट साइड की यूनिट राइट साइड की यूनिट के बराबर होती है तो डायमेंशनली बैलेंस होता है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अभी वाई, अभी इससे अगर करना है तुम्हें, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू विद दिस फार्मूला क्रॉस चेकिंग के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा सेम आंसर, तो इसमें क्या करना है, वी का फंक्शन पुट कर देना, ये एक्स सॉरी वी नहीं एक्स दिया है ना, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा,
पहले ये डिफरेंशिएट करके v का फंक्शन निकालना पड़ेगा, कहाँ गया ये वाला, एक बार डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो v का फंक्शन ये यहां से लाके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन याद है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रिकैप कर सकते क्या तुम लोग, x टू दी पावर n का बोलो, कांस्टेंट तो बाहर निकल आएगा, बोलो जस्ट रिवीजन, जिनका नहीं हुआ है उनको मैं बाद में कराऊंगा ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बट जिनका हो चुका है वो रिकैप करेंगे। वैसे तो एक ही फार्मूला याद रखना है, नहीं भी हुआ है ना, हाँ लिमिट ए टू बी पावर बढ़ जाती है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और नीचे भी ये जो पावर बढ़ गई नीचे भी आ गई ऊपर भी बढ़ गई, ठीक है, और ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, और एन तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वाले टर्म एन प्लस वन बाहर निकाल लिए एक्स टू द पावर एन प्लस वन, अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट, अभी क्या करना पड़ता है बोलो, अपर लिमिट एक्स की जगह आ जाएगा माइनस फिर लोअर एक्स, एक बार एक्स की जगह, ओके जस्ट लेट मी मेक द स्पेस जस्ट टू इट, ओके देखो एक बार क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट एक्स की ब्रैकेट में एक्स की जगह अपर लिमिट डालनी पड़ती है, क्या है अपर लिमिट बी एन प्लस वन एज इट इज, माइनस लिखना पड़ता है फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट डालनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट वन टू टू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पावर बढ़ गई टू प्लस वन, नीचे भी टू प्लस वन, और लिमिट वन से टू, तो नीचे टू प्लस वन थ्री को बाहर निकाल लो, और ये एक्स क्यूब हो जाएगा टू प्लस वन वन एंड टू, अभी लिमिट लगानी है एक्स की जगह टू आ जाएगा ऊपर वाली लिमिट, पहले पावर एज इट इज रहती है, अभी माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह वन आ जाएगा पावर एज इट इज, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वन बाई थ्री एट माइनस वन सेवन बाई थ्री, तो दैट्स हाउ इट गोस। यहाँ से तुम ये इतना भी तुमने सीख लिया ना, 90% प्रॉब्लम तुम्हारी हो जाएंगी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, बाकी फार्मूले हार्डली 10% ऑफ टाइम लगते, जस्ट लेट मी शो यू अगेन, देखो क्या सिखाया मैंने तुम्हें, डिफरेंशिएशन का रिवीजन हो गया था वो तुम रब कर दिया मैंने, एवरेज वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की निकालनी पड़े, वेलोसिटी की एक्स इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो वी डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में डी टी आएगा, यहाँ पर नीचे भी टाइम आएगा, तो टाइम की डायमेंशन कैसे रहती है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे देखो टी वन कितना है अपना टू है, टी टू फोर है, टू से फोर तक, तो बस, और डेफिनेट इंटीग्रल मैंने अभी तुम्हें सिखाई दिया है तो कर सकते हो, v का फंक्शन लेके लाना पड़ेगा, हमें तो x का फंक्शन दिया है यहाँ पर, डिफरेंशिएट करके v का फंक्शन हमें मिल चुका था, ये वाला यूज करना पड़ेगा, तो दिस इज डिफिकल्ट मेथड, यू डोंट ट्राई, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है वो इससे करें, बट जिनको अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आया है तो वो पहले वाले मेथड से x2 minus x1 से करें, एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन दिया है वैसे इसका, फर्स्ट यू ट्राई योर बेस्ट देन यू सी द सॉल्यूशन, सॉल्व एग्जांपल है ये, और फिर अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो इससे भी ट्राई करके देखना, सेम आंसर आएगा, क्लियर टू एवरीवन, हिमांशु इज एब्सेंट टुडे, व्हाट हैपेंड टू हिम, पता नहीं सर, चलो सर मैं एक चीज बोलूं अब, हाँ बोलो सर, आप इसके बाद फर्स्ट चैप्टर पढ़ाओगे ना, क्योंकि स्कूल में कुछ नहीं समझ रहा, कुछ नहीं समझ रहा क्या, अच्छा ठीक है, स्कूल की टीचर अच्छी नहीं लगी मेरे को, ठीक है, तमिल में बोलती रहती है, यस सर मेरे को भी सही है, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर करा देंगे इसके बाद, करा देंगे बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू, करा देंगे, चलो, तो दिस इज डन है ना, और इसके बाद है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बहुत छोटी डेफिनेशन होती है, अभी वेलोसिटी हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड जिसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वर्ड बहुत बड़ा होता है, somebody says you what is speed you it means it, he is asking you instantaneous speed, so this is very small definition, can you guess
हाउ डू वी डिफाइन द स्पीड, स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, जिसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोलते हैं. कैन एनीबॉडी गेस? सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम. वो तो एवरेज स्पीड, वो तो हम पढ़ चुके हैं, वो एवरेज स्पीड थी. डिस्टेंस अपॉन टाइम वाज द एवरेज स्पीड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड व्हिच इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस स्पीड. एनीबॉडी एल्स? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ, नीचे लिखा भी है देखो, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना. एग्जांपल से समझते हैं इसको. देखो फॉर एग्जांपल, जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया है कि एक कार लेफ्ट में जा रही है, दो कार, कार ए हैज, कार ए हैज वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू से 40 किलोमीटर पर आवर, और कार बी हैज वेलोसिटी माइनस 40 किलोमीटर, मतलब अपोजिट जा रही. सपोज एक लेफ्ट जा रही तो दूसरी राइट जा रही, बट बोथ हैव सेम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे देखो, सिंस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दिस इज अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना. ऑब्जेक्टिव में तुम्हें कैसे दिया होगा अभी बताता हूँ, पहले ये कर लेते कंप्लीट. देखो तो अभी चेक करते दोनों का 40 आ रहे क्या. फर्स्ट केस में देखो, स्पीड ऑफ ए, कार ए विल बी 40, मॉड, मॉड का मतलब क्या था, माइनस साइन हट जाता है, तो ये तो लेकिन प्लस ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं. तो स्पीड ऑफ कार बी माइनस 40, तो ये भी प्लस हो जाएगा, दोनों की सेम, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. गॉट इट? तो माइनस जो है हट जाएगा अगर है तो, डायरेक्शन है तो वो भी हट जाती है. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? विदाउट डायरेक्शन, विदाउट माइनस, पॉजिटिव लेना. तो दोनों तुम बोलोगे, दो यू सेड बोथ द कार आर मूविंग विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पीड. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. देखो देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इटसेल्फ. ऑप्शन में तुम्हें कैसे क्वेश्चन होगा, देखो, which is correct option. पहला ऑप्शन दे देंगे, स्पीड इज लेस देन आर इक्वल टू वेलोसिटी का मॉड. ऐसा क्वेश्चन किया था हमने एवरेज के लिए, याद है, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी का मॉड. थर्ड वन इज द स्पीड इज greater than or equal to velocity का mod, है ना, और the speed is less than velocity का mod. ऐसा किया था हम लोगों ने, बट वहां पे एवरेज था, तो उसका आंसर क्या है, याद है किसी को? एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, डू यू रिमेम्बर? वो लेस देन आर इक्वल टू था, ऐसा सिंबल था, ग्रेटर था स्पीड, एवरेज स्पीड वॉज ग्रेटर, तो उसमें तो ये करेक्ट था. बट अगर हमने एवरेज वर्ड हटा लिया, अगर सब जगह हमने एवरेज लिखा होता तो ये आंसर होता, बट एवरेज वर्ड हट गया तो अभी ये सही है क्या? नहीं, नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट. अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज करेक्ट. तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी कभी कम, डायरेक्शन चेंज होती, कम हो जाता है. तो यहाँ पर हमें एवरेज नहीं लिखना, इंस्टेंटेनियस, उस मोमेंट पर जो है कार की या ट्रेन की या प्लेन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है, क्या है, उसको उसके प्लस कर देंगे तो वो स्पीड बन जाती, मतलब डायरेक्शन हटा देंगे तो स्पीड बन जाती. मॉड का मतलब डायरेक्शन हटा दो, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से कंपेयर करते हैं तो डायरेक्शन हटा के मॉड से कंपेयर करते हैं. गॉट इट? सबको समझ में आ गया ये?
तो दीज आर द वेरी वेरी बेसिक पॉइंट्स बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बोलो, अनम्यूट एंड आस्क, अनम्यूट करके पूछ लो. चलो फिर नोट कर लो. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीड. अच्छा ये बताओ, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि द स्पीडोमीटर ऑफ कार और बाइक इंडिकेट्स व्हाट. कार का जो स्पीडोमीटर होता है या बाइक का, क्या इंडिकेट करता है? सर स्पीड, स्पीड इंडिकेट करता है कि एवरेज स्पीड इंडिकेट करता है? सर दोनों में से एवरेज स्पीड. एवरेज कैसे दिखाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय कितनी स्पीड से चल रहा है सबका एवरेज स्पीड निकालने के लिए. तो उसके रीडिंग नोट करनी पड़ती, कितने किलोमीटर से निकले थे, कितने किलोमीटर पे वापस आए, कितना टाइम लगा, वो एवरेज. बट स्पीड देखनी है तो उस समय उसका स्पीडोमीटर का जो नीडल है ना, वो कितने पे है, 40 किलोमीटर से चला रहा है या 30 से चला रहा है या. ओके सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है. हाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम स्पीड बोलते हैं. सम ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है ना, एक और आ गया, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, सही है. ठीक है चलो नहीं सर. तो ओके, तो स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्पीड. नाम ही उसका स्पीडोमीटर है, बट उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है कि एवरेज स्पीड दिखा रहा है कि स्पीड दिखा रहा है. तो एवरेज नहीं दिखाएगा, एवरेज के लिए तुम्हें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कहाँ से कहाँ तक की चाहिए. गॉट इट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जो स्पीड का कॉन्सेप्ट खत्म. तो हमने वेलोसिटी देख ली और स्पीड देख लिया. इसके बाद अभी हम लोग एक्सीलरेशन देखते है ना. तो लेट्स सी हाउ डू वी डिफाइन द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन. वो भी डिफरेंशिएशन से आएगा. वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सीलरेशन बन जाता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ. तो लेट्स सी द न्यू टॉपिक कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और सिंपली एक्सीलरेशन. ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके लिख दूं, नहीं तो तुम्हें डिफिकल्ट लगने लगेगा, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. तो पहले तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं. Just let me put it simple way. So it is the rate of change of velocity with respect to time. So kaise likhenge? A is equal to dv by dt. Differentiation ho gaya hai. Velocity ko kisse differentiate karna hai? Time ke respect mein. Velocity ka function time mein diya hoga. Abhi yahan pe to hum definition likh rahe hain, but differentiate karna hai to upar bhi t aana chahiye. नीचे t है तो v की वैल्यू t के टर्म्स में दी होती है, टाइम के टर्म्स में, तो वो पुट कर देंगे. बट डेफिनेशन में ऐसे ही चलेगा. क्लियर? बट इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी एनसीईआरटी बुक में लिखा है. लेट्स सी व्हाट इज दैट. ये ऑफ कोर्स कैलकुलस में ही हमने लिखा है, बट इसका प्रॉपर तरीका थोड़ा और बेटर तरीका लिख सकते हैं ऐसे और करके. इट इज ऑल्सो, it can also be, or it is also average acceleration provided time interval is very very small, tending towards zero. Time interval tends towards zero. Itna kam ki wo zero lagne lage, zero hota nahi, provided time interval tends to zero. Tends to zero. तो उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे velocity में लिखा था हमने. तो average acceleration को dv by dt लिख सकते हैं ना, v2 minus v1 upon t2 minus v1. तो इसमें time की limit जो है, limit of delta t should be tending towards zero, then this average acceleration is called instantaneous. This average value of acceleration, average acceleration is called instantaneous acceleration. तो ये पूरे term को कैसे लिखा जाता है, dv by dt.
हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया, यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस, बट यू शुड ऑल्सो नो द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग. मैथ जब हो जाएगा तब इजी हो जाता है ये, बट टिल देन यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर. लेकिन एक एक अदर वे ऑफ राइटिंग ऑल्सो, देखो ऑल्सो एक तरीके से और लिखते, ऐसे भी लिखा होगा, बट v इज इक्वल टू कितना होता है, डी एक्स बाई डी टी. अभी हमने ऊपर पढ़ा है, देयर फोर ओके आई नीड सम स्पेस, थोड़ा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा. जस्ट लेट मी मेक दिस स्पेस, आई थिंक टाइम होने वाला है क्या. हाँ जस्ट एक मिनट, विल जस्ट लेट मी कंप्लीट इट, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा. तो देखो अभी हमें इसमें देखो v की वैल्यू यहां पुट कर दिया अगर हम, और ये क्या है, a का रिलेशन है, देयरफॉर a इज इक्वल टू v की वैल्यू हम पुट कर देंगे dx बाय dt, यहां भी t है, तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं उसको, x का दो बार डिफरेंशिएट करने x को, तो ऊपर कैसे लिखा जाता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर, इट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव, दो बार डिफरेंशिएशन, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब ऊपर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था, एक्स का डिफरेंशिएट कर दिया एक बार, वी मिल गया, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो दैट इज डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी इज ऑल्सो दिस. ओके ऐसे लिखता हूं, दोनों टर्म एक साथ लिख देता हूं.